हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट मेथड के बारे में एंड रिवर्स मेथड के बारे में। क्लियर है पॉइंट? रिवर्स मेथड, ये दोनों मेथड जो है स्ट्रिंग बफर क्लास का है, ठीक है। और स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है और इसके कंटेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वी हैव डन राइट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर जहां आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इंसर्ट मेथड। इसमें देखो, दिस मेथड इंसर्ट्स वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल समझो कि मैंने कोई स्ट्रिंग बफर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और ये जो हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? अब इसी में से एक इस ये वाली जो कंटेंट है, आप इनमें आप कोई और कंटेंट ऐड कर सकते हो, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस बी डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे जो इंसर्ट लिखा मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने जावा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये जावा इस कंटेंट में जो हमारा स्ट्रिंग है कितने कौन से पोजीशन पे ये वाली स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो आपको बताना है यहाँ पे इंटीजर पोजीशन, मतलब इंट टाइप का होनी चाहिए। तो हमने बता दिया सिक्स। यहाँ देखो, आफ्टर सिक्स के बाद ये आपका टोटल कितने हैं कैरेक्टर? सिक्स है। यहाँ सिक्स के बाद जस्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाएगा दीपक जावा। अगर जहां मैं इसको प्रिंट करवाऊ, प्रिंट करवा देता हूँ, नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे एस बी को हम प्रिंट कराएंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये। क्लियर है पॉइंट? यही चीजें हैं कि एक स्ट्रिंग में एक और स्ट्रिंग ऐड करना। क्लियर है? उसको इंसर्ट मेथड का यही यूज है। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे ओवरलोडेड मेथड है। देखो क्या है कि आप इस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, नंबर भी ऐड कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट टाइप भी ऐड कर सकते हो डेटा। क्लियर है? लेकिन आपको पोजीशन बताना पड़ेगा इन तीनों में से कि आपको नंबर रखना है, ऐड करना है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो कितने नंबर पोजीशन पे। क्लियर है पॉइंट? चलिए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं इस। तो हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। फाइल का नेम दिया मैंने यहाँ पे str19.java, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम। क्लास बना लिया मैंने माई स्ट्रिंग बफर है, तो मैं माई स्ट्रिंग बफर क्लास ही बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास का नेम भी आप कुछ शॉर्ट भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया दीपक। अब इसमें जो है मुझे इंसर्ट करना है, तो माई माई यहाँ पे लग गया, माई हटा दो, स्ट्रिंग बफर ओनली, ठीक है। तो मुझे एस बी डॉट इंसर्ट मुझे करना है सिक्स के बाद जावा, ठीक है। ये मुझे इंसर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, एक और स्ट्रिंग इंसर्ट करना है। चलिए हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, CMD। मेरा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे है, तो मैं CD डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, देन CD जावा, ठीक है। जावा C, और फाइल का नेम है str19.java। चलो कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन। क्लास का नेम है माई स्ट्रिंग बफर। क्लियर है? इंसर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे इंटर किया आपका डेटा आ गया, ठीक है। तो डेटा क्या आया, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो क्या आया, दीपक जावा। बीच में स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, ये भी काउंट होता है, तभी स्पेस आएगा। चलिए अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? ओके ओके, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, सेवन लिखना है, क्योंकि आपका ये जो है ये भी आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो सेवन के बाद मुझे ऐड करना है ये, तो अब आ जाएगा यहाँ पे स्पेस। चलो देखो एक बार मैं कंपाइल कर लेता हूँ, सेवन नंबर पोजीशन के बाद, सेवन कैरेक्टर के बाद। चलिए देखो यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है, डन। अब इसमें नंबर भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। जैसे मैं एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ, एज इट इज मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और ये जो है रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, इसमें वन यहाँ पे वन दे दिया। अब यहाँ पे जो दीपक है, हम चाहते हैं सिक्स के बाद कोई नंबर ऐड हो जाए, वन टू थ्री।
अब अगर जहाँ SP1 को प्रिंट कराएंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा 1 2 3, दीपक 1 2 3, क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं, कंपाइल फाइंड्स, रन करते हैं, देखो नीचे वाला में दीपक 1 2 3, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, जैसे ये इसको ले लेता हूँ रेफरेंस वेरिएबल 2, ये 2। अब इंसर्ट मैं करना चाहता हूँ 6 के बाद किसको, SB1 को, SB1 को SB2 में, ठीक है, और यहाँ SB2 को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप डेटा बेसिकली ऐड होता है कि नहीं, इंसर्ट होता है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन, रन करते हैं, देखो यहाँ पे दीपक एंड दीपक 1 2 3 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाला डेटा, ठीक है, तो ये वाला डेटा ऐड कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा दीपक, देन ये वाला डेटा भी आ जाएगा, क्लियर है इसमें, डन। तो ये है आपका इंसर्ट मेथड का काम, आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका, देखो रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम कंटेंट देंगे ना, स्ट्रिंग जो हम स्ट्रिंग देंगे उसको वो रिवर्स कर देगा, रिवर्स मेथड अगर जहाँ यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, तो मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसी में लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ SB.reverse, रिवर्स। चलिए अब ये क्या करेगा, जो हमारा कंटेंट है उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक है, रिवर्स मेथड का यही काम है। चलिए देखते हैं एक बार कंपाइल करके, कंपाइल्स फाइन, देखो ये रिवर्स कर दिया। और इसको हम लॉजिक से भी, अगर जहाँ मेथड यूज नहीं करना है प्री डिफाइंड, तो इसको आप लॉजिक लगा के भी रिवर्स करा सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है। अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। आई होप क्लियर कि दोनों मेथड का यूजेस क्या है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया रिवर्स मेथड, ठीक है, एंड इंसर्ट मेथड, ठीक है, दोनों हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया। ये दोनों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो स्ट्रिंग बफर क्लास से पूछा जाता है ये दोनों मेथड के बारे में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी लॉजिक क्लियर होगा, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।